डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, टेंथ क्लास में जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, अम्ल और क्षार लवण को चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस आंसर को, जो उसके बीच के प्रश्न उत्तर होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। चलिए आगे हम लोग उसके टॉपिक्स वाइज पढ़ते हैं। तो पहले टॉपिक्स बनाएंगे अम्ल और क्षार की जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रवाह। देखिए, इस बार टॉपिक्स क्या है कि आखिर कोई अम्ल रहेगा या क्षार रहेगा जब उसको जल में डालकर, और फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत प्रवाह किया जाएगा, उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, तब हम लोगों को क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। ध्यान से समझिए टॉपिक्स क्या है। अम्ल और क्षार जो है, जल की उपस्थिति में विद्युत धारा का अगर प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा देंगे, तो क्या क्या होगा। चलिए उसके बाद हम लोग उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब किसी अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में, जब किसी अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो, विद्युत प्रवाह किया जाता है तो वे धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं, वे धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब कि या तो अम्ल रहेगा या क्षार रहेगा, और जब उसको जल में यानी कि H2O में अगर धारा प्रवाहित किया जाए, तब हम लोगों को यहाँ धनात्मक आयन प्लस ऋणात्मक आयन प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में अगर करंट पास किया जाएगा, उसमें करंट दिया जाएगा, तो वे प्लस और माइनस में टूट जाएंगे। और ज़रा इनको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के करेंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर मान लिया कि HCl है, HCl क्या है, तो एक तरीके का अम्ल है। क्यों भाई? क्योंकि इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब इसको जल में डालकर यानी कि H2O, और जब धारा प्रवाहित करेंगे, तब हम लोगों को धनात्मक आयन में यहाँ टूटेगा H+, इसको धनात्मक बोलेंगे, और Cl- यानी कि था हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका फार्मूला HCl हो रहा था। जब उसको वाटर में घोल के और धारा प्रवाहित करेंगे, तो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, माने कि H+ और Cl-। वैसे ही दूसरा एग्जांपल, अगर हम लोग मान लिया जाए कि इस बार कोई क्षार ले लेते हैं, NaOH, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्षार, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है। तो ये है हम लोगों को NaOH, एक तरीके का क्षार है। और जब इसको वाटर में घोलने के बाद यानी कि H2O और धारा प्रवाहित करेंगे, तो चाहे अम्ल रहे चाहे क्षार रहे, उसको वाटर में घोलने के बाद अगर धारा प्रवाहित करेंगे, तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में टूट जाएगा, यानी कि ये Na टूट जाएगा Na+ में, और प्लस OH टूट जाएगा OH- में। इसीलिए बोला गया कि ये धनात्मक में टूटेगा और ऋणात्मक में टूटेगा। लेकिन कब? जब किसी अम्ल या क्षार को H2O में घोल माने जल में घोलने के बाद उसमें धारा प्रवाहित करना होगा। तीसरा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए हम लोग। अब इस बार लेते हैं KOH, ये भी है एक तरीके का क्षार। क्षार का पहचान है कि OH रहता है उसमें, तो ये क्षार है।
और क्षार में को हम लोग H2O में डाल दिए और धारा प्रवाहित कर दिए, तो एगो टूट गया के प्लस और प्लस OH माइनस। तो इस तरीके से तीन एग्जाम्पल काफ़ी है हम लोगों को समझने के लिए कि चाहे अम्ल रहेगा या फिर चाहे क्षार रहेगा, हम लोगों को क्या प्रदान होगा। तो हम लोगों को प्रदान होगा कि अगर उसमें जल में घोलकर अगर हम लोग उसको में करंट प्रवाहित करेंगे तो प्लस और माइनस में टूटेगा। लेकिन नोट में एक बात करके लिख लिया जाए, नोट में ये बात आप पॉइंट करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये नोट में कि अगर मान लिया कि यही अम्ल, कोई अम्ल HCl अगर वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग करंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, यानी कि HCl एक अम्ल है, नहीं करंट दे रहे हैं, लेकिन इस H2O और इस H2O में फ़र्क है। H2O के उपस्थिति में यहाँ बोलते हैं, लेकिन ये H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है और फिर हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हो रही है। HCl यहाँ H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है और धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस स्थिति में H3O प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, तो एक याद रखिएगा नोट में कि अगर कोई अम्ल है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और तब हम धारा देते हैं, तब जाकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण आता है, होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ अलग अलग नहीं टूटता है। यहाँ क्यों टूट रहा है कि यहाँ पे जल की उपस्थिति है, यानी कि ना मात्र मात्रा है जल की, यहाँ पे जल जो है एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। दूसरा आप याद रख लीजिएगा HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये हमेशा अम्ल के साथ ही होता है, ये जो हम नोट में सीख रहे हैं, ये अम्ल जो है हमेशा होता है जल के साथ अभिक्रिया। तो मान लिया कि अम्ल है HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इस बार H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है और हम ऊपर से धारा भी प्रदान कर दे रहे हैं, तब यहाँ पे भी हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन मिलता है, हाइड्रोजोनियम या हाइड्रोनियम के नाम से जानते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। लेकिन प्लस यहाँ पे होता है हम लोगों को एक NO3 माइनस, माइनस में यानी कि यहाँ भी हम लोगों को धनात्मक और ऋणात्मक में टूट रहा है, लेकिन इस स्थिति में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यही एक पॉइंट था बीच में। चलिए फिर हम लोग उसी मुकाम तक पहुँच गए हैं जो NCERT के बीच में प्रश्न होता है। तो चलिए पहला प्रश्न को लिखा जाए, क्वेश्चन HCl कॉमा HNO3 आदि क्या लिखें, HCl कॉमा HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। चलिए बोला क्या गया वो बात समझिए। इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या बोला गया कि आखिर HCl और HNO3 देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या हैं, अम्ल हैं, है ना। HCl को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये जैसे अम्ल जो हैं जलीय विलयन में या फिर बोल सकते हैं इनके विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, या बोल सकते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके ये एक अम्लीय माध्यम को दर्शाता है, लेकिन ग्लूकोज और इसके साथ
अल्कोहल एक दिया हुआ है कि ये जो है अम्लीय को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखा जाए। लिखा जाए HCl, HNO3 आदि जैसे अम्ल जलीय विलयन में आयनीकृत होकर जलीय विलयन में आयनीकृत होकर आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं अर्थात 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 में ना ये दोनों लिख लेना है। देखिए, सबसे पहला सवाल बोला कि HCl चाहे HNO3 एक अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसी का आंसर देना था। तो इसका आंसर ये होता है कि HCl और HNO3 जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक में टूट जाते हैं, और धनात्मक में हमेशा हाइड्रोनियम आयन का उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि HCl और HNO3 जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, बजाय अगर यहाँ अल्कोहल और ग्लूकोज होता तो जलीय विलयन में ये आयनीकृत होकर नहीं टूटते हैं। अतः कि ग्लूकोज और अल्कोहल ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसके नीचे तो हम लोग लिखे उत्तर अर्थार्थ में ये दोनों लिख दीजिए, उसके नीचे ये अभिक्रिया को दिखा दीजिए कि यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन बनता है, यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये दोनों दिखा दीजिए। जो उत्तर लिख रहे थे उसके नीचे फिर लिखेंगे, उसके नीचे जैसे ये दोनों लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन अम्लों में अम्लों के प्रतिफल में, लिखेगा इन अम्लों के प्रतिफल में हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट में H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट में H3O+ उपस्थित रहते हैं, जो अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जलीय विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए ये मन कौन ग्लूकोज और अल्कोहल। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज और अल्कोहल जो है अम्लीय गुण को प्रदर्शित क्यों नहीं करता है, क्योंकि उससे ये हाइड्रोनियम आयन या फिर वो आयनीकृत नहीं होते हैं, माने कि नहीं टूटते हैं। लेकिन HCl और HNO3 देख रहे हैं आयनीकृत हो रहे हैं। आयनीकृत का मतलब धनात्मक ऋणात्मक में टूट जा रहे हैं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए इसको पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को। तो लिखा जाए क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करते हैं? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करते हैं? यानी बोला जा रहा है कि अम्ल जब उसको जल में घोलते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, ऐसा क्यों? जैसे मान लिया कि अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल चाहे बोलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कोई अम्ल है, जब उसको जल में घोल देते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास करते हैं तो एक तरीके का तार का काम करता है। जैसे तार में एक जगह पे हम लाइन देते हैं तो उस तार के माध्यम से दूर दूर तक चल जाता है, उसी तरीके से कोई अम्ल का जब जलीय विलयन होता है तो वो दूर दूर तक यानी कि वो एक तरह का सुचालक के जैसा काम करता है, क्यों? तो इसका आंसर लिखा जाए। दूसरा का उत्तर लिखेंगे,
अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं क्योंकि यह हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया लॉजिकल सवाल। कि अगर कोई पूछेगा कि अम्ल को जलीय विलयन बना करके और धारा प्रवाहित करते हैं तो होने लगता है क्यों, तो इसका आंसर यही होगा कि अम्ल का जलीय विलयन में धारा प्रवाहित होता है क्योंकि वो क्या बनाते हैं, आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इसमें भी अर्थार्थ करके और यही वाला दोनों एग्जाम्पल फिर से उसके नीचे लिख देना है और यहीं तक आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, जो लिखवाएं बोलकर उसको लिखना ही है, अर्थार्थ करके ये दोनों एग्जाम्पल्स नोट में करके लिखें, इसको दिखा दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ हाइड्रोनियम आयन बन रहा है इसलिए ये दोनों में अम्लीय में कंडक्टर यानी कि सुचालक जैसा व्यवहार करेगा, बाकी जगह नहीं करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तक के हम लोग प्रश्न में किए हैं, आने वाले अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।